महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले धार्मिक आबादी पर आई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की इस रिपोर्ट में धर्म कांटा तेजी से झुकता दिख रहा है। और 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी में ऐतिहासिक कमी तो मुस्लिमों की आबादी में बड़ा उछाल आने का दावा किया गया है। TISS का दावा है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, TISS के मुताबिक साल 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 51% तक कम हो जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जो रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़े ही नहीं जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। मुझे लगता है कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के धर्म कांटे को बदलने के लिए कुछ सियासी दलों का भी खेल शामिल है, यानी वोट के लालच में अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। योगी जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। इस रिपोर्ट के बाद बटेंगे तो कटेंगे से कहानी बदलकर हिंदू घटेंगे तो क्या होगा पर आ चुकी है। TISS की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, स्वच्छता, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं भी अप्रवासियों की भीड़ से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, अवैध प्रवासी 50% महिलाओं की तस्करी हुई है जो देह व्यापार में लगी है। इनमें से 40% अवैध प्रवासियों ने बांग्लादेश में अपने घर 10,000 से 1,00,000 रुपए तक हर महीने भेजे हैं। यानी रिपोर्ट का सार ये है कि मुंबई में सिर्फ हिंदुओं की आबादी ही तेजी से नहीं घट रही बल्कि संसाधनों पर भी कब्जा हो रहा है और माया नगरी का पैसा बांग्लादेश जा रहा है। सीधा असर शहर पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। TISS ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि साल 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी जो 2001 में घटकर के 66% पर ही रह गई। वहीं 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। अब ये आप समझिए इस तरीके से, इस आंकड़े के हिसाब से, इस हिसाब से 2051 तक हिंदू 54% तक कम हो जाएंगे और मुस्लिम 30% तक बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा TISS के मुताबिक मुंबई में मुस्लिमों के बढ़ने का एक कारण अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, क्योंकि नारायण राणे ने जो कुछ भी कहा वो बेहद आपत्तिजनक है। सोसायटी मध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल बकरी ईदला, द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा। मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोलले आपण। खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब, काही गोष्टी सांगण्यासारख्या नाही साहेबांच्या ज्या मायाशी बोलताना सांगायचे। असा माणूस हिंदुत्वाचा हिंदुत्वपणाला लावून मुख्यमंत्री झाला माणूस। यानी बालासाहेब के बहाने उद्धव पर निशाना साधने की जल्दबाजी में उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे महाविकास अघाड़ी बेहद गुस्से में है। नारायण राणे को गोली मारी थी क्या? नारायण राणे ने जब गद्दारी की थी, उनका शब्द ही है, मेरा शब्द नहीं है, शिवसेना का बड़ा प्रिय शब्द है, तो नारायण राणे ने जब गद्दारी की थी बालासाहेब ठाकरे से, तब बालासाहेब ठाकरे को गोली मारी थी क्या? सुबह उठकर इस तरह की बातें करना, हिंसा की बातें करना, ये ठीक नहीं है। यानी नारायण राणे के बयान पर उद्धव के नेता भले चुप रहे लेकिन सहयोगी कांग्रेस ने पलटवार में देरी नहीं लगाई। शायद इसलिए भी कहीं उद्धव के बहाने हिंदुत्व विरोधी बताने की बीजेपी की कोशिश कामयाब न हो जाए। बहरहाल इस बयान पर महाराष्ट्र में अभी और बखेड़ा होना बाकी है। महाराष्ट्र के रण में क्या ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो चुका है? क्या उलमा बोर्ड को डिमांड पर शरद पवार की रजामंदी ने चुनाव को दो धड़ों में बांट दिया? MBA वर्सेस महायुति की लड़ाई क्या अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम पर आई? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि MBA ने उलेमा बोर्ड की जिन 17 शर्तों को माना है उनमें कुछ सीधे हिंदुओं और हिंदुत्व से जुड़ी हैं, जिनमें सबसे विवादित मांग है RSS पर बैन की। दूसरी सबसे विवादित मांग है 2012 से 2024 तक दंगा भड़काने के आरोपी मुसलमानों की रिहाई। तीसरी मांग पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलने वालों पर कानूनी प्रतिबंध का कानून बने। चौथा मुस्लिमों को 10% आरक्षण। पांचवा राज्य वक्फ बोर्ड को फंड जैसी 17 शर्तें हैं। इन शर्तों को मानकर MBA ने क्या तगड़ा दांव चला है या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, इसी का इम्तिहान है। कांग्रेस के साथ साथ हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की जानिब से भी एक तहरीरी मक्तूब इसी तरह का हमें मिला है।
इन शर्तों के बदले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड एमबीए के लिए कैंपेन करेगा। इसी प्रचार की शुरुआत करते हुए मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने पर्चे बांटकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की शुरुआत की है। दावा है कि 400 एनजीओ इस कैंपेन में उनके साथ हैं, यानी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे वोट जिहाद कहकर समाज सेवा के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश बता रही है। 400 एनजीओ मुसलमानों के बीच घूम घूम कर एक पार्टी विशेष और विचार विशेष के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, तो क्या बांटने का काम नहीं है? ये सब ये इनकी बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, चुनाव हारने के अंदर जब हारते हुए देखते हैं तो इसी तरह के जहरीले बयान देंगे। यानी बात बांटने काटने तक पहुंच चुकी है और इस सियासत की काट बंटोगे तो कटोगे के मंत्र में योगी आदित्यनाथ पहले ही दे चुके हैं। अब सियासी खेल में मजहबी मेल से महाराष्ट्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए बड़ा ऐलान किया। गृह मंत्री शाह ने साफ किया है कि ना तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और ना ही उलेमा बोर्ड की मांग स्वीकार होगी। वहीं उन्होंने एक बार फिर ये दोहराया कि बीजेपी धर्म के खिलाफ आरक्षण के खिलाफ हमेशा रहेगी। जी मीडिया संवाददाता रविन्द्र कुमार के साथ चर्चा में गृह मंत्री शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। उठाते पहले की परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अब घुसपैठ। देखिए, घुसपैठ बहुत गंभीर मुद्दा है देश की सुरक्षा की दृष्टि से और झारखंड की ट्राइबल माताओं बहनों की सुरक्षा के। हम सरकार में आकर पहला काम पटवारी, पुलिस स्टेशन, कलेक्टर, डीएसपी और सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, इनका कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर घुसपैठ को रोकने का प्रयास करेंगे और एक कानून लाकर शादी कर दान से जो भूमि लिया है वो परत आदिवासी माताओं को दिलाने का काम करें। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी को या फिर महाराष्ट्र में जो एनजीओ के जरिए मुस्लिम समुदाय है वो पैसा भी इकट्ठा कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है कि आप आरक्षण दो तो हम आपको वोट देंगे बीजेपी खिलाफ। देखिए, अल्पसंख्यकों का धर्म के आधार पर आरक्षण ये संविधान सम्मत नहीं है। ऐसा जब भी प्रयास होगा भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी से इसका विरोध करेगी। सर, महाराष्ट्र में तो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है एनजीओ द्वारा आपके खिलाफ। मुझे लगता है उनको मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं आने वाली। क्या होगा सर, झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।